जय हिंद सर। जिन बच्चों इसमें आप लोग महामना इस छोटे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई मैथमेटिक्स के 15th चैप्टर और ये है प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोगों को देखना है। और देखें प्रोबेबिलिटी के लिए फार्मूला हमने आपको बताया था कि अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है तो फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम को अगर हम एनएस से रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज कीजिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम को एनएस से रिप्रेजेंट करते हैं और टोटल आउटकम को अगर हम एन ई से रिप्रेजेंट करते हैं तो अब जो है इसको हम सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड हो जाएगी। तो चलिए बस याद रखे रहिएगा एन एस क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और एन ई क्या है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और देखें इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। ए बैग कॉन्टेंट्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक कोई बैग है जिसमें लेमन के फ्लेवर के कैंडी रखा हुआ है या कह लीजिए लेमन जूस रखा गया है। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी ने बैग में देखे बिना ही उसमें से एक कैंडी निकाल लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। अब आप जरा देखें कि उसमें जितने भी कैंडी हैं, जितने भी लेमन जूस हैं, सबका फ्लेवर जो है वो लेमन के जैसा है। और वहां से पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि उसमें से ऑरेंज के फ्लेवर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ऑरेंज का फ्लेवर तो उसमें से आएगा ही नहीं, क्योंकि वो क्या है, वो तो टोटल जो नंबर है, वो टोटल कैंडी है, वो आपको लेमन फ्लेवर है। तो हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडी, सपोज कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैंडी लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ, देखिए टोटल नंबर ऑफ कैंडी, और ये हम सपोज किए हैं ये यन है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, तो ये जो है टोटल नंबर ऑफ कैंडी है और फर्स्ट पार्ट में देखा जाए, फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी उसमें है ही नहीं है, टोटल लेमन फ्लेवर वाला है। तो अब ये जो है नंबर ऑफ फेवरेबल, हम जो कंडीशन देखेंगे या फेवरेबल आउटकम अगर हम देखें तो ये फेवरेबल आउटकम जो होगा ये हो जाएगा नंबर ऑफ, हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल फेवरेबल तो ये जो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होगा। अब यहां पर दिया हुआ है कि ऑरेंज फ्लेवर्ड के लिए तो उसमें केवल लेमन फ्लेवर्ड है, ऑरेंज फ्लेवर्ड है ही नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा। अब अगर यहां पर प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करें तो प्रोबेबिलिटी के लिए हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये यन हो जाएगा जीरो अपॉन यन, यानी ये वैल्यूज हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, फर्स्ट का आंसर जीरो होगा। अब इसके बाद हम सेकंड देखते हैं, सेकंड में आपसे ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी,
तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी देखिए टोटल नंबर ऑफ कैंडी यन है, तो जितने नंबर ऑफ कैंडी है और सभी लेमन फ्लेवर्ड होंगे तो वहां भी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो होगा वो भी स्मॉल यन होगा। तो अब यहां से प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू स्मॉल यन अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये भी स्मॉल यन होगा क्योंकि जितने कैंडी है सब लेमन फ्लेवर्ड है तो यन बाई यन हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो वन हो जाएगा। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो जीरो होगा और सेकंड का जो आंसर होगा ये वन आएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ थ्री स्टूडेंट का ग्रुप है द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.0992। यानी देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, टोटल नंबर है थ्री स्टूडेंट का और थ्री स्टूडेंट में दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बर्थडे एक दिन नहीं है। यानी ये दिया हुआ है पी ई डैश का मतलब नॉट प्रोबेबिलिटी। ये नॉट प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि थ्री स्टूडेंट में से टू स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बर्थडे एक दिन नहीं है, ये कहा जा रहा है। तो ये हो जाएगा पीई डैश और पीई डैश की जो वैल्यू है ये आपको दिया हुआ है 0.992। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि टू स्टूडेंट का बर्थडे एक ही दिन होगा। तो हमने आपको बताया कि PE यानी किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और प्लस किसी भी इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का जो सम होता है ये वन के इक्वल होता है। तो आपसे PE पूछा जा रहा है और PE डैश यानी नॉट प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है, तो PE इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - PE डैश। फिर क्या होगा, ये 1 - PE डैश जो है आपका 0.992 हो जाएगा। माइनस कर लीजिए तो 0.008 हो जाएगा। यानी थ्री स्टूडेंट में से टू स्टूडेंट का बर्थडे सेम डे न होने की प्रोबेबिलिटी अगर 0.992 है तो सेम डे होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0.008 होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहा गया है। ए बैग कॉन्टेंट्स 3 रेड बॉल। यहां देखिए नंबर ऑफ हम आर लिख दे रहे हैं 3 रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू 3। 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू 5। अगर हम टोटल नंबर फाइंड करना चाहें तो टोटल नंबर जो होगा यहां से अच्छा पूरा और पढ़ लिया जाए। हाँ, अगर हम टोटल नंबर यहां से फाइंड करते हैं तो टोटल नंबर होगा 3 + 5 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो देखिए ये रेड के लिए फेवरेबल कंडीशन 3 होगी, ब्लैक के लिए फेवरेबल कंडीशन या फेवरेबल आउटकम जो होगा 5 होगा और टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो होगा वो 8 होगा। अब देखिए कि क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी यानी हम लोग PR ज्ञात करना है रेड होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसके लिए क्या होगा, इन्हें नंबर ऑफ आर अपॉन टोटल नंबर,
टोटल नंबर हम नंबर ऑफ इवेंट लिख सकते हैं, तो नंबर ऑफ रेड 3 है और टोटल जो नंबर ऑफ इवेंट है वो 8 है, तो रेड होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 3/8 हो जाएगी। और इसमें सेकेंड पॉइंट में क्या पूछा जा रहा है ये देखिए, नॉट रेड पूछा जा रहा है, तो नॉट रेड के लिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा पी आर डैश इज इक्वल टू 1 माइनस हो जाएगा पी आर, तो ये हो जाएगा पी आर डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी आर 3/8। सॉल्व कर दीजिए, 8 माइनस 3 5, ये हो जाएगा आपका 5/8। यानी क्या था क्वेश्चन में, 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स बैग में थे, तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसमें से रैंडमली का मतलब ऐसे ही उसमें से क्या किया गया, अगर कोई बॉल निकाला गया तो आप बताइए कि रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी 3/8 हो जाएगी, और फिर रेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये हो जाएगी 5/8। यानी ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ए बॉक्स कॉन्टेंट्स 5 रेड मार्बल्स। ये देखिए नंबर ऑफ रेड मार्बल्स आपको दिया गया है 5, 8 व्हाइट मार्बल्स, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स दिया गया है 8, और फिर क्या 4 ग्रीन मार्बल्स, नंबर ऑफ ग्रीन आपको दिया गया है 4। अब देखिए क्या आप यहां पे टोटल नंबर निकाल लीजिए, तो टोटल नंबर अगर हम फाइंड कर लें तो 5 + 8 + 4 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब फिर देखिए क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन, 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, उस बॉक्स से किसी भी मार्बल को एट रैंडम निकाला जा रहा है, रैंडमली निकाला जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, तो उस मार्बल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखें रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो नंबर ऑफ रेड अपॉन टोटल नंबर, तो नंबर ऑफ रेड आपको 5 दिया हुआ है और टोटल नंबर जो है वो 17 है। अब इसी तरह से आपसे सेकंड में पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी के लिए हम PW फाइंड करेंगे, तो व्हाइट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगा, नंबर ऑफ व्हाइट अपॉन टोटल नंबर, तो नंबर ऑफ व्हाइट क्या दिया हुआ है 8 अपॉन टोटल नंबर जो आपको दिया हुआ है ये 17 है। और फिर इसके बाद अगर हम थर्ड पार्ट को देखें तो थर्ड पार्ट में नॉट ग्रीन पूछा जा रहा है, नॉट ग्रीन, तो नॉट ग्रीन के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ ग्रीन प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन फाइंड करना होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ ग्रीन अपॉन टोटल नंबर, तो नंबर ऑफ ग्रीन है और टोटल नंबर जो है आपका 17 है, तो नॉट ग्रीन पूछा जा रहा है, तो नॉट ग्रीन के लिए हो जाएगा PG और प्लस PG डैश, मतलब ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ग्रीन न होने की प्रोबेबिलिटी, और ये टोटल हो जाएगा 1। तो ग्रीन न होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है, पीजी डैश की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है 1 माइनस हो जाएगा PG, तो फिर क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 और माइनस PG की वैल्यू है 4/17, सॉल्व कर दीजिए 17 - 4 हो जाएगा, तो 17 - 4 हो जाएगा 13/17, यानी ये जो प्रोबेबिलिटी होगी ये हो जाएगी आपकी 13/17। तो इस प्रकार आज आपने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9, ये 4 क्वेश्चन आप लोगों ने देखा,
और हमें उम्मीद है कि ये चारों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।